लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 10 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के लिए जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी गोरखपुर के विजेंद्र पांडेयन ने जनपद के सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने कहा कि 10 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, इसका कोई उल्लंघन न होने पाए, इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनपद में लगभग 34 लाख मतदाता हैं और उन्हें 5 वर्ष के लिए अपना जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिला है, इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने कहा, आचार संहिता लगी है, हम लोग तो पूरा नियंत्रण करके तो देख रहे हैं ताकि कोई उल्लंघन ना हो जाए। खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टी से कल मीटिंग हुआ था, उन लोगों को पूरा डिटेल में ब्रीफ किए, उसके बाद जनता को भी अपील किए 50,000 को ऊपर कोई नगद पैसा बिना कागज़ को लेके ना जाए, और उसके अलावा जो कितने गवर्नमेंट मशीनरी उसको भी निर्देश दिए हैं जो नया काम ना चालू करें। वो सारे आचार संहिता का जो इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन है वो सबको हम लोग दे दिए, उसी का तो पालन बहुत कड़ाई से हो रहा है। सब मतदाता को ही, यहाँ तो 34 लाख मतदाता है तकरीबन गोरखपुर में, वो सबको अपील करता हूँ, 5 साल का एक बार ये मौका मिलता है जनप्रतिनिधि चुनने का है, कृपया करके आप आकर के ज़रूर आपका मत का अवश्य प्रयोग करें और जब मनपसंद जो व्यक्ति है, जो पार्टी है, उसको सेलेक्ट करें। वो ये आपका जिम्मेदारी है, निभाना बहुत ज़रूरी है।